स्वागत करुच्छे आपको निज फुड एंड लाइफ स्टाइल आशा कर समस्त बहुत भले थी मुझे बहुत भले अच्छी मो चेल आपण मानी बहुत रेसीपिटे नहीं आसे ब्लॉग भी बनई आशा कर बहुत पसंद आसो जदि मो चेल नुआ अच्छा तेल से भिड़ सब एवं देखी नि भल लगुच गोटे लाइक निश्चिंत करूँ आपटिव सेयर निश्चिंत करूँ आईपरी आपको सब मानते बहुत सिंपल देखिया रेसीपी मो चेल को निश्चित सब्सक्राइब करनी आज आम घर नई देसी नई चुंगुड़ी आरा बड़ बड़ सैज्र ताको आज झोल बनवा आपड़ भिडियो को लास्ट टाइम देखते मुझे केमती बनाऊँच बहुत सिंपल बनैबी चलतु एवं डेरी करें रोष घर जावा आ मैंने रोष स्टार्ट करें चल देखु ये कते बड़ बड़ नई चुंगुड़ी आ प्रथम या भल भाव धोई नौपर या भाजवा स्टार्ट कर प्रथम मु कढ़ई गरम कर सारे से वन टेबुल स्पून सोरिष तेल देदे से दीटा बड़ आलु को मुझे देखते स्लाइस कर प्रथम भल कर भाजने आलु भाजी भितर मुझे मसला अर्डर प्रस्तुत कर ग्राइंडर जार रे 12-15 कलो रसुण नहीं से दुई इंच अदा दे दी तापर कि कटा पिज को मैं 6-7 गोलमरीच गोटे सुखिला लंका आ गए कंचा लंका दे यहाँ भल भाव पेस्ट बनैबी एवं आलु टी बड़ा भाजी सारे एवं मुझे गोटे प्लेट रे काढ़ी नौ कढ़ाई में धोईक रखी चुंगुड़ी सब देदे से वन टीस्पून लुण दे वन टीस्पून हलदी गुंड कि समय भल भाजने जदि चुंगुड़ी पा थी तेल से सब बाहरी थ्री टी स्पून सोरिष तेल देखिए भल रंग कड़ा कर भाजने चुंगुड़ी सब भाजी सारे आम गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा एबे तरकारी पे एटी मु 2 टेबल स्पून सोरिष तेल नहीं तेल में हाफ टी स्पून चीनी दे दीची से दीटा गुजराती देची हाफ इंच रोटे खंडे डालचीनी पकई देची चीनी टिके लाल हेला कारमलाइज हेला आम से तीनोटी बड़ पिज को छोट छोटे काटिकमें देदे एवं मुझे हाफ टी स्पून लुण दे दूसरी जीतु पिज लुण दे पिजटी शीघ्र जारी हो जाए एवं पिज को लाल हवा जाके भाजी ना देखो ये पिजटी बढ़िया भाव लाल हो सारे से मुझे गोटे बड़ टमाटो को छोट छोटे काटि नहींदेवि एम वन टी स्पून हलदी गुंड वन टी स्पून कश्मीर लंका गुंड दे दूसरी भल भाव गोड़ेद गैस फ्लेम को सब लो टू मीडियम रखिए ना मसलाटी पोड़ गोटे मिनट पर आम से बटा होता मसला को देदे भल भाव मसला को गोल एवं मसलार तेल छड़े जाए भल कषि नवा मसला कषि भितर देखते ये फाड़े नड़िया कोरा नहीं जाए कि उषुम पा दे कि भल भाव चुपुड़ी तर रस को बाहर करने भी मसला टी कषि सारे मुझे स्वाद अनुसार लुण दे दूसरी पाखापा 2 टी स्पून लुण देती कारण आगुरी आम चुंगुड़ी लुण पकई थे एवं तापर दे 1 टी स्पून
ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଭଲରେ କଷି ନେବା। ମସଲାରେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବି ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ପୁରା ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ରସ ସହିତ ଦେଇଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଳୁ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେଇକି ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।